नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत चीन के बीच अब माहौल खुशगवार हो गया है। मोदी ने अपना वादा पूरा करके जनता की बांछें खिला दी, मगर अब फर्श की खाड़ी में एक और मोर्चा खुलने से दुनिया की धड़कनें बढ़ने लगी है। विगत 2 जुलाई को ईरान के एटमी ठिकानों पर इजराइल के साइबर अटैक के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। स्थिति यह है कि ईरान ने इजराइल को जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उधर साउथ चाइना सी में मौजूद अमरीकी नेवी किसी भी चीनी एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी भारत तो 20 जवानों को खोने के बाद वापस लौट आया, मगर ईरान साइबर अटैक झेलने के बाद अपनी संप्रभुता की रक्षा हेतु आक्रामक हो गया है, जिसके बाद दक्षिणी चीन सागर और फारस की खाड़ी तक जंग का मैदान सजने जा रहा है। हालांकि ईरान के एटमी ठिकानों पर हुए साइबर अटैक की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी देश ने नहीं ली है, लेकिन ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। कहा तो यह भी गया था कि इजराइल ने F-35 फाइटर जेट से इस ठिकाने पर गाइडेड बम गिराए हैं, मगर इसकी पुष्टि पूरी तरह नहीं हो सकी है। उधर ईरान ने यह कहकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि उसने मिसाइल सिटी तैयार कर ली है। ईरान की यह भूमिगत मिसाइल सिटी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तटों के आसपास है। फारस की खाड़ी वही जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल व्यापार होता है। मिसाइल सिटी में ग्राउंड टू एयर मिसाइल और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। इजराइल को निशाना बनाने के लिए इस जगह का सामरिक महत्व है। साथ ही फारस की खाड़ी में मौजूद अमरीकी युद्ध पोतों पर भी यहां से अटैक किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब विश्व युद्ध का बटन भारत के अंगूठे के नीचे से हटकर हसन रूहानी के पास चला गया है। उनकी ओर से यदि इजराइल पर एक भी मिसाइल दागी गई तो विश्व युद्ध लगभग तय है, जबकि रूहानी ने साफ ऐलान कर दिया है कि इजराइल को साइबर अटैक करने की कीमत चुकानी होगी, जिसके बाद इजराइल ने अपने तमाम रक्षा अधिकारियों को चौकस करते हुए उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहने को कहा है। अमेरिका के लिए टेंशन की बात यह है कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने दुश्मनों के खिलाफ मिसाइल सिटी का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। अब यह जानना भी जरूरी है कि इजराइल की मिसाइल सिटी में कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक ईरान की मिसाइल सिटी में क्रूज मिसाइल, लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें, BTR-50 टैंक, Mirage-1, Drone-SOBAN-1, मशीन गन, आधुनिक रडार सिस्टम समेत जंग में काम आने वाले तमाम तामझाम मौजूद हैं। ईरान ने अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण दुश्मन देशों के हमलों से बचने के लिए किया है और जरूरत पड़ने पर वो यहां से पलटवार भी कर सकेगा। ईरान की मिसाइल सिटी पूरी तरह से जमीन के भीतर है। कंक्रीट की दीवार चारों तरफ बनाई गई है। बताया जाता है कि कंक्रीट की ये दीवारें 5 लेयर में बनाई गई है, जो पूरी तरह से एटम बम के वार को भी झेल सकती है। यानी इस पर गिराए जाने वाले किसी भी बम का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इजराइल अमेरिका के साथ ईरान भिड़ता है तो यही साइबर सिटी ईरान के बड़े नेताओं का ठिकाना बनेगी। कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल सिटी में अलग से बंकर बने हैं, जो ताकतवर नेताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाए गए हैं। मतलब रूहानी ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि जंग के हालात में अमेरिका और इजराइल रूहानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। 2 जुलाई को ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हुए साइबर अटैक से रूहानी बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। उनके बदले के ऐलान ने इस क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। इस साइबर अटैक से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को करारी चोट लगी है। दरअसल ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए जाने के बावजूद अमेरिका और इजराइल को लगता रहा है कि तंजाम की न्यूक्लियर साइट पर ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बना रहा है। ईरान का यह कार्यक्रम इजराइल और अमेरिका अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। फिलहाल इजराइल ने तमाम घटना पर चुप्पी साध रखी है, मगर ईरान ने खुलकर कहा है कि साइबर अटैक के जरिए उसे निशाना बनाया गया है तो वह इसका जवाब जरूर देगा। ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी शुरू कर दी है। तेल व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले इस रास्ते को ईरान पहले ही बंद करने की धमकी दे चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत चीन के बीच जो बिगुल बजते बजते रह गया था, अब उसे फारस की खाड़ी में बजाया जा सकता है। या पहले से ही ईरान अमेरिका में तनातनी चल रही है। अपने जनरल कासिम सुलेमानी को गंवाने के बाद जनता का दबाव लगातार रूहानी पर बढ़ता जा रहा है। एटमी ठिकाने पर अटैक ने इसमें आग में घी का काम किया है, जिससे किसी भी वक्त इस हिस्से में रणभेरी बच सकती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही रेड अलर्ट जारी कर चुके हैं और सेना को पूरी तरह चौकस कर दिया गया है। अमेरिकी नेवी अपने सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए ईरान पर नजर बनाए हुए है। अगर ईरान पलटवार करता है तो उसके लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। यानी मामला सीधे सीधे किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। खास बात यह है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो विश्व युद्ध के हालात बनने तय है।
जिसका असर भारत पर पड़ना भी निश्चित है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।